मेरी कुछ वीडियोस पे इंडिया के जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि जी देखें इंडिया कितना तरक्की कर चुका है और पाकिस्तान कितना पीछे है। ख़ास तौर पे जो मेरी लाहौर रेलवे स्टेशन की वीडियो है उस पे तो बहुत इंडिया के लोगों ने कमेंट किया कि जी हमारा रेलवे बहुत अच्छा है और बहुत आगे जा चुका है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि खुश होने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान का रेलवे पीछे है इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हमारी रोड्स हमारी मोटरवेज जो है ना वो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी हैं। एनीवे मैं एक वीडियो शेयर करना एक एक्चुअली रिपोर्ट शेयर करना चाह रहा था। ये रिपोर्ट है जी कि पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन से ज़्यादा खुश, दे आर हैप्पियर देन इंडियंस द पाकिस्तानीज, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन ग्लोबली, पाकिस्तान का रैंक 80th है, 80वां नंबर है पाकिस्तान का, और इंडिया का नंबर है 122वां, 122nd। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इस रिपोर्ट में राइटर ने भी यही कहा है कि बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसने उसमें कहा कि उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें इकॉनमी, उसमें इकॉनमी की ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो और इन्फ्लेशन और वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रैंकिंग, इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग, कैपिटल फ्लोज, ये सारे के सारे फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि हैप्पीनेस ज़्यादा होने से होता ये है कि इकोनॉमी ग्रो करती है, एक्विटी मार्केट ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है उन मुल्कों में, और इकोनॉमी ग्रेजुअली फिर उनकी ग्रो करती है। और इस बात का हमें देखें कि सबूत इससे भी मिलता है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले एक साल में उसकी ग्रोथ 49% हुई है। जो KSE स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो 49% ग्रो किया है, उसके मुकाबले में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसकी वो 16% ग्रो हुई है पिछले एक साल में। और पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो इंडिया की मार्केट की ग्रोथ 10% है और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है 22.9%। तो इस हवाले से मतलब ये बड़ी अहम रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरे YouTube के चैनल पे आके इंडिया के लोग ख़ास तौर पे जो बार बार कमेंट करते हैं और हमें ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनका मुल्क हमसे बेहतर है और आगे है। थैंक यू।